नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। आज का वीडियो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप स्किप नहीं करेंगे, इसे आगे बढ़ाकर नहीं देखेंगे और साथ ही साथ अन्य पशुपालकों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। गाय के पेट में प्लास्टिक पॉलीथीन निकालने के लिए अब पेट फाड़ने या चीरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक देसी उपाय बता रहा हूँ, यह बहुत ही कारगर है। इसका आप उपयोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। गाय जब प्लास्टिक खा लेती है, जब पॉलीथीन खा लेती है, तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, साथ ही वह उनके जीवन की हानि करने वाली भी होती है। ऐसे समय में यह उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए आपको जरूरत होगी 100 ग्राम सरसों के तेल की, 100 ग्राम तिल का तेल, 100 ग्राम नीम का तेल और 100 ग्राम अरंडी का तेल। ये चार तरीके के तेल की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जरूरत होगी 50 ग्राम फिटकरी पिसी हुई और 50 ग्राम सेंधा नमक पिसा हुआ और साथ ही साथ 25 ग्राम साबुत राई। इन तीन चीज़ों को भी साथ ही ले लें और इन टोटल मटेरियल को अच्छे तरीके से फेंट कर मिक्स कर लें। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तब इसको गाय के दूध की छाछ जो 500 ग्राम मात्रा लेनी है, इसके अंदर इसे खूब अच्छे से मिला लें और गाय को नाल के द्वारा इस घोल को पिला दें। यह प्रक्रिया आपको अगले 3 दिन तक रेगुलर रिपीट करनी है, जो एक ही समय दी जानी चाहिए। एक समय देंगे 3 दिन तक रेगुलर, तो जल्दी ही वह प्लास्टिक जो उसने खाया है, वह जुगाली के द्वारा वापस उसके पेट से बाहर आ जाएगा और वह जुगाली में लेते समय प्लास्टिक को बाहर निकाल देगी। कुछ लालच और कुछ ऐसे खाने की वजह से या भूख की वजह से या उसमें कुछ ऐसा खाना पड़ा होता है थैली के अंदर, प्लास्टिक थैली के अंदर, जो पशु अनजाने में खा जाते हैं, जो हम प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर फेंक देते हैं, जो जिसमें खाने का सामान होता है, इसकी अपेक्षा हमें यह काम करना चाहिए कि जो प्लास्टिक की थैलियां उसमें से खाने पीने की सामान को दूर फेंक दें, खाली कर दें थैली को, और थैली को डिस्पोज करने की कोशिश करें या कूड़ेदान में डालें, ताकि हम गौ माता की सेवा कर पाए, उसके जीवन की हानि में हम अपनी भागीदारी ना दें। यह बहुत ही बुरा काम है यदि आप प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर फेंक देते हैं जिसमें खाने का सामान होता है। यह आप समझ लें कि गाय के लिए बहुत ही हानिकारक है। पॉलीथीन जुगाली के साथ इस प्रयोग से निकल जाता है। इससे हजारों गौ माताओं को मरने से हम बचा सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा और आप इसको यह कार्य करते समय अपने आप को गौरवान्वित और एक पुण्य का कर्म समझेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे, साथ ही साथ गौशालाओं में भी इस उपाय को बताएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के जानकारी वर्धक वीडियो भी आपको मिलते रहे। आपका कोई कमेंट हो, शिकायत हो, सुझाव हो, वह भी जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। शेयर करना आपके लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। शेयर करने से आप हमारी इस मुहिम को बढ़ावा देंगे। धन्यवाद।